जी सारे ना, स्वागत आपका जी पी सिस्टम ब्लॉग में। और आज दिन है मंडे, आज जानवी हो गया रेड स्कूल के लिए क्योंकि इसका एडमिशन हो चुका है। बाकी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे जब तक इसका एडमिशन हुआ था, लेकिन अब एडमिशन हो चुका है। मॉर्निंग का टाइम, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वीक में तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जानवी तो पूछो, देखती हूँ कितनी खुश है और कितनी नहीं, और बाकी स्कूल का भी दिखाऊँगी वे आपने। जानवी, आर यू हैप्पी और नॉट? कितनी हैप्पी है, हैं? स्पीक लाउडली ना, किस तरह सुनेगा जो तुम सुनना चाह रहे हैं। व्हाट? कितनी खुश आज के ये दिन आज तेरा? स्पोर्ट्स डे। के करेंगे तो आज वहां पे जाकर? रेस। रेस और बहुत कुछ स्केटिंग, मेरे पास नहीं है। हाँ, और बैग में देख सकते हो आप, इंडिया में इसके साथ बहुत सारी बुक लेकर जाया करती, लेकिन आज इसके बैग में टिफिन के सिवा कुछ नहीं है। मैंने नहीं पता के पड़काओगी के नहीं पड़काओगी, बाकी फिलहाल मैंने तो इसका टिफिन ही दिया है। उन्होंने लंच बॉक्स बोला था, अगर आप फ्री मील सर्विस लेना चाहते हो तो लंच बॉक्स मत देना, अगर देना नहीं चाहते तो दे देना। तो मैंने फ्री मील सर्विस अब तक डन नहीं करी है, क्योंकि सोच समझ के डन करूँगी फिर बोल दूँगी। फिलहाल आज तो मैंने इसका खुद का लंच दिया है, तो देखते हैं। लाइट आ गई है, इस साइड में भी कलर उपरे हैं। इवा हम चले जाऊँगे आराम तक, क्योंकि हमारा रास्ता चल रहा है उस साइड में रेड है, तो खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर वास्ता, वेट करना पड़ेगा। तो जानवी प्रेस द बटन, जानवी ने बटन दबा दिया, इवा हम खड़े होंगे वेट वास्ता, वेट करेंगे जब तक वहाँ पर रेड का ग्रीन नहीं हो जाएगा। तो बाकी देखेंगे आज जानवी का स्कूल कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बाकी मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हैं कैसा है, बारिश है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। मॉर्निंग में उठ जाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं हमें कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। सभी पेरेंट्स ऐसे छोड़ने जाते हैं अपने बच्चों का स्कूल, तो देखो वो वहाँ पे जाते हैं, लेकिन हमारा स्कूल उस साइड में है। अभी तक ग्रीन नहीं आई है, ग्रीन आ जाएगी तभी देखेंगे। तो भाई देखो ग्रीन हो चुकी है, तो अभी कोई गड्डी नहीं निकलेगी यहाँ से, अभी हम चलेंगे। चल चल जानवी, तो उस रास्ते पर जाना हमें उस साइड में, यहाँ से देखो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। चलो जानवी आगे आगे, ये जानवी ऐसे भाग का मत चल, देखो इनका घर साफ सुथरा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। कोई यहाँ पर अपने घर बिल्कुल मेंटेन रखा, कोई इतना गंदा करके रखा है कि इसका कुछ ठिकाने नहीं। गंदा घर भी दिखाई दूँगी, एक मेंटेन दिखाया तो गंदा भी दिखाऊँगी, गंदे किस तरह रखा है। आज जानवी ने वैसे ही कपड़े डाल कर गई है, क्योंकि आज इसकी स्पोर्ट्स आज ड्रेस नहीं डाली, मंडे और ट्यूसडे इसके यही कपड़े रहेंगे, और उसके बाद मैं इसकी ड्रेस आज लेकर आऊँगी। तो देखते हैं अभी, तो दिखाते हैं कोई ऐसा हाउस। बारिश ठंडी बहुत ज़्यादा है, और आप सब बताओ कैसे हो कैसे नहीं हो। ये बच्चा भी उस स्कूल में जाएगा मे बी, क्योंकि वो उस साइड में वो वोल्से हाउस ही है, एक स्कूल है जानवी के स्कूल का नाम है वोल्से हाउस प्राइमरी स्कूल। देखो यहाँ पे ऐसा भी हाल मिलता, मतलब घर को इतना बाहर से गंदा करके रखते हैं। मेरे को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे गंदा रखना, इसको अच्छे से भी रख सकते हैं बट रख नहीं रहे। देखो माता आगे निकल गई, जानवी अपने तो आगे चले गए, देख दोनों आप पीछे रह गए, तेरे तो ठंडे लग रही होगी, बाकी तेरी क्लास तो बहुत गर्म पाओगी। एक बार तो बता दूँ, बाहर ही ठंडा, अदरवाइज अंदर तो बिल्कुल हीटिंग चलती रहा है। इन नहीं कोट निकाल रखे जानवी ने, यू भी निकालना पड़ेगा वहाँ पर स्कूल में जाकर तो क्लास में। तो देखते हैं क्या रहेगा कैसे रहेगा, अभी आज तो फर्स्ट डे है, स्कूल में जाकर दिखाऊंगी जानवी का स्कूल कैसा है कैसा नहीं है, तो तब तक के लिए वेट करो। तो ये देखो भाई जानवी का स्कूल एंट्रिंग हो चुकी है, ये है इसका वोल्से हाउस प्राइमरी स्कूल, वेलकम टू वोल्से हाउस। सो इट्स एंट्रेंस, यहाँ पे बसेस नहीं लगती क्योंकि हर गली के साथ एक स्कूल है, तो इसलिए पेरेंट्स को खुद छोड़ने आना पड़ता है। ये देखो स्कूल ही है, चल जानवी आगे, चल 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 चल, देख सब बच्चे चल रहे ना, तेरी तो फॉर्म भी फिल करना हमें ना। चलो भाई देखते हैं, ये एंट्रेंस है, देख ले अंदर का, दिखाते हैं जाने के बाद। क्यों बैग चल ले, ले खुद, अच्छा ल दे, इसके कोई दुख लगे निकाल दे।
निकाल दिया ये एंट्रांस है मेन स्कूल की, बाकी वीडियो बनाना ना हो कहीं। मैंने जानवी को छोड़ दिया है, लेकिन उनकी जो अंदर का एरिया था वहाँ पे, मतलब मेन एंट्रेंस के बाद हम वीडियो नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी प्राइवेसी को भंग कर रहे हो आप, तो उन्होंने कैमरा बंद कर लिया था। बाकी जानवी चली गई है, मैं बोल का आई हूँ, शी इज़ प्योर वेजिटेरियन, और देखते हैं क्या रहेगा जो आज का उसका दिन, जो भी रहेगा वो आप तो ज़रूर शेयर करेंगे, उसके मुँह पर शेयर करेंगे कि कहेगी कि नहीं, कुछ समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी समझनी बहुत मुश्किल है। तो चलते हुए तो घर पे अभी जा रही हूँ, वही जानवी ना छोड़ कर मैं स्कूल तय होगी थी फ्री, और फिर मैंने घर का सारा करा काम। ये बीच में लोग नहीं बना पाई क्योंकि काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, आकर ना आई भी, क्योंकि वो सवेरे सवेरे छोड़ कर उसने जब मैं ना आई नहीं थी नहीं छोड़ कर आनी पड़ी, तो आकर ना दो कहीं चल रही हूँ। मार्केट में जाना है क्योंकि कुछ फ्रूट्स लेकर आने हैं, जानवी का टिफिन में भी देने, और उसके पापा वास्ते भी, नीरज वास्ते भी, सब वास्ते लेकर आने हैं, क्योंकि नीरज शाम ने बोल कर जाने का, अगर बेटी तो फ्रूट भी नहीं लेकर आ सकती, तो फ्रूट लेकर आने पड़ेंगे। आई हूँ ज्योति दौरा जाऊँगी, दोनों कट जाऊँगा, आज उसकी छुट्टी है और उसका फ़ोन ख़राब हो रहा है, और ठीक करवा कर लेकर आना, हमें तो बहुत सारा काम है करके आवेंगे, चल रहे हैं हम ठीक। और मैंने पता एक बात और आपता है, सॉरी या माफ़ करियो, कुछ भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो वो समझ लियो, मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। हम सोच रहे थे यार आका बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाए। उसके बीच में भी जब भी मैंने टाइम मिला थोड़ा बहुत ब्लॉग निकालने की सोचो, टाइम ज़्यादा लग जाए, फिर कॉल भी कराया, कुछ रिलेटिव्स भी है, फ्रेंड भी है, बोल रहे हैं तेरा ब्लॉग नहीं आ रहा कि करिए आजकल, तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आवा है और अच्छा भी नहीं लगता, हम भाई अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने दिल तक बोल रही हूँ माफ़ करियो, क्योंकि जब भी टाइम मिलेगा जरूर ब्लॉग डालूंगी। मेरा भी मन कर रहा है मैं आऊँ, कंटिन्यू ऑनलाइन रहूँ, अपना ब्लॉग टाइम टू टाइम डालूँ, अपडेट रहूँ, लेकिन केकरा बिजी होने के कारण थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो वेट करें, वेट करो हमारे ब्लॉग का, थैंक यू दिल तक बहुत ज़्यादा, और आज ब्लॉग मैंने बनाया है, आपने मिल जाएगा यू कल तक, क्योंकि अभी तो मैं इसको बना रही हूँ, आपके बज चुके हैं शाम के 4-5, और बना कर फिर डालूँगी, फिर तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आपने कल ही मिलेगा यू ब्लॉग देख लेना। तो सांस चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, दूर आवे तो देखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं, बाकी बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और वेट करते रहिए ब्लॉग का, क्योंकि जब भी बनाऊंगे जरूर चैनल पर, वैसा नहीं है कि चैनल पर नहीं, चाहे वो 4 दिन में हो 5 दिन में, ब्लॉग जरूर आऊँगे बीच बीच में, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या रहता है, आप भी वेट करो और मैं भी वेट करती हूँ आपसे मिलने का दोबारा। बहुत लंबी लंबी स्ट्रेट है, तो तब तक के लिए वेट। मैं तो ज्योति के घर टाइम तो पहुँच गई हूँ, लेकिन यह सुन दी पाई, अरे मैंने बेचे अनार वास्ता, और देखो कितना अच्छा फ्लावर पॉट, खिल गुलशन खिले गुलदस्ते, मैंने उनके लिए चाय बना दी है, बनानी रख दी है, अभी बन जाएगी तो हम दोनों चाय पी के निकल जाएंगे, वरना तो 3 बजे जानवी को लेके आना है, निकलने के बाद टाइम का पता नहीं लगता कुछ भी, तो बनने को चाय पी कर फिर चलेंगे दोबारा, और देख लो लुक 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 लुक। यहाँ से मैं ले लेती हूँ कुछ फ्रूट्स, कैसे कैसे फ्रूट आज, क्योंकि मार्केट में जाना, बारिश हो गई थी, यही ले लो है ना, 5 और 1 pound, ये ठीक रहोगे। ऑरेंज भी, एप्पल कितने की, 5 और 1 pound, मतलब 5 1 pound में, तो वे ले लो और ये ले लो, दोनों ले लो, केले घर रखे हैं, बाकी कुछ लेना नहीं है, तो एक बार ले लो। तो भाई मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, और एग्जाम कर बारिश हो गया है आज, फ्रूट हम सुपरमार्केट में तो नहीं लेकर आए, हम यहीं था ऑफ लाइसेंस की शॉप में, यहाँ पर तो वहाँ तक ले लिए, अपने यहाँ पर जो वैसे रखा है ना शॉप पर, भाई एक तो छोटी होगा एक बड़ी मार्केट होगा, तो यहाँ पर ऑफ लाइसेंस के नाम तो हुआ शॉप, वहाँ तक मिल जाए फ्रूट आराम तक, कदम आकर निकल जू यार्ड आगे चल लो, तो लेकर निकल चुकी हूँ, जाऊँगी जानवी ने लें, क्योंकि 3 का टाइम हो गया, मैंने बहुत टाइम लग गया था, बाहर गए थे काम था, तो जानवी ने लेकर आऊँगी स्कूल में, तो 3:15 पर फिर जाऊँगे हम आस्था में, वहाँ तो उसकी ड्रेस लेकर आनी है, तो ये व्लॉग अगले व्लॉग में देखने मिलेगा, इस व्लॉग में नहीं, तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा नहीं तो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।